हेलो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन है स्नीकर्स। ये 1992 में आई साइबर सिक्योरिटी मूवी है। ये मूवी है कंप्यूटर हैकर मार्टिन की, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सिक्योरिटी को टेस्ट करता है। उसे दो एनएसए के ऑफिसर एक डिवाइस चुराने को कहते हैं, पर मार्टिन और उसकी टीम को पता चलता है इस डिवाइस से किसी भी इंक्रिप्ट डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। फिर उसे ये पता चलता है वो दो एनएसए के ऑफिसर फर्जी थे और उन्होंने उसे चोरी और खून के इल्जाम में फंसा दिया है। अब कैसे मार्टिन इन सब मुसीबतों से निकलकर बाहर आता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है दो स्टूडेंट्स से, जिनका नाम है मार्टिन ब्राइस और कॉस्मो। ये दोनों अमीरों के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करते हैं और वहां से पैसे चुराकर अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं। मार्टिन पिज्जा लेने के लिए बाहर जाता है और अपनी कार स्टार्ट करता है, तभी वो पुलिस वालों को आते हुए देख लेता है और कॉस्मो को बचाने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक पुलिस वाले आकर कॉस्मो को पकड़ लेते हैं और ये देखकर मार्टिन वहां से भाग जाता है। अब स्टोरी 20 साल आगे बढ़ती है और मार्टिन हेड ऑफ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है। उनका काम है बड़ी बड़ी कंपनी या बैंक सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके उनकी कमियों को ढूंढना, ताकि उन्हें और भी सिक्योर बनाया जा सके, और इसके बदले वो कंपनी और बैंक मार्टिन को अच्छा पेमेंट करती हैं। मार्टिन की टीम में है डोनाल्ड ग्रेस, जो एक CIA ऑफिसर रह चुका है। दूसरा है डैरन, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है। तीसरा है कारल, जो हैकिंग में बहुत अच्छा है। चौथा है इरवाइन, जिसे विस्लर भी कहते हैं। वो अंधा है, पर वो फोन की आवाजों को बहुत अच्छी तरह से समझता है और ऐसे लोगों को फोन फ्रीक कहा जाता है। दोस्तों, फ्रीक उन लोगों को कहते हैं जिन्हें टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना और एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, जैसे किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम और दूसरी डिवाइस पब्लिक टेलीफोन से कनेक्टेड होती है। फिर हम डैरन को देखते हैं, जो बैंक के बाहर फोन लाइन सर्किट को फोन से टच कर रहा है और वो फोन विस्लर के हेडफोन से कनेक्टेड है। डैरन फोन से हर फोन लाइन को टच करता है ताकि विस्लर आवाज पहचान कर सही फोन लाइन का पता लगा पाए, क्योंकि जब भी डैरन अलग अलग फोन लाइन को टच करता है तो हर एक में से अलग अलग आवाजें आती है और विस्लर फोन लाइन की आवाज पहचानने में एक्सपर्ट है। फिर थोड़ी देर बाद विस्लर को बैंक की फोन लाइन मिल जाती है और डैरन उसे विस्लर के फोन से कनेक्ट कर देता है। फिर मार्टिन और डोनाल्ड बैंक के पीछे वाले दरवाजे पे जाते हैं, जहाँ पर कार्ल उनका वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद बैंक के एक लॉकर में से धुआं निकलता है, जिसमें डोनाल्ड ने केमिकल रखा था, और धुआं निकलते ही अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजते ही बैंक के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे मार्टिन, डोनाल्ड और कार्ल अंदर आ जाते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड बैंक की सिक्योरिटी कंपनी को कॉल लगाता है और बताता है फायर अलार्म बज रहा है। वो लोग पूछते हैं, क्या तुम्हें आग या धुआं दिख रहा है? सिक्योरिटी गार्ड बोलता है नहीं। सिक्योरिटी कंपनी वाला बंदा बोलता है, तो फिर ये फॉल्स अलार्म है, गलती से बज गया होगा। तब तक कार्ल अंदर जाकर अलार्म बंद कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी वाले बंदे को बोलता है अलार्म बंद हो गया है, और वो कंपनी वाला बंदा विस्लर होता है। दोस्तों, इसलिए विस्लर ने बैंक की फोन लाइन हैक की थी, ताकि अगर ऐसा हो तो इस बारे में किसी को बताना चले। और फिर अलार्म इसलिए जरूरी था क्योंकि फायर अलार्म से बैंक के सारे गेट खुल जाते हैं, जिससे मार्टिन और उसके साथी अंदर आ सकें। फिर डोनाल्ड मार्टिन के अकाउंट में उस बैंक के कंप्यूटर से $1,00,000 डाल देता है, और अगले दिन मार्टिन उसी बैंक में आसानी से अपने अकाउंट में से $1,00,000 निकाल भी देता है, और वो पैसे वो उस बैंक के मालिकों को दिखाता है। वो बताता है, आपकी बैंक की फोन लाइन में कमियां है, फायर एग्जिट दरवाजे पर निगरानी की जरूरत है, और आपके सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग की जरूरत है। मार्टिन कहता है, पूरी रिपोर्ट आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, पर पहले मुझे अपना चेक चाहिए, और अपना चेक लेकर मार्टिन वहां से चला जाता है। फिर मार्टिन से दो लोग मिलने आते हैं, डिक और बडी, और अपने आप को NSA के एजेंट बताते हैं। वो लोग मार्टिन और उसकी टीम के बारे में सब जानते हैं। मार्टिन बोलता है वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता। वो लोग मार्टिन को अपना नंबर देते हैं और एक लिफाफा भी, जिसमें मार्टिन की पुरानी फोटो होती है उसके असली नाम के साथ, मार्टिन ब्राइस। फिर मार्टिन डिक और बडी से मिलता है उनकी बताई गई जगह पर, जहाँ पर वो उसे डॉक्टर गंटर के बारे में बताते हैं, जो प्राइम नंबर, फैक्टोरियल और बड़ी संख्या की थ्योरी का विशेषज्ञ है, जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। बड़ी बोलता है वो एक ब्लैक बॉक्स बना रहा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है सीटेक एस्ट्रोनॉमी, पर उन्हें नहीं पता सीटेक का मतलब क्या है। वो लोग चाहते हैं मार्टिन वो ब्लैक बॉक्स उनको लाकर दे, पर मार्टिन मना कर देता है। वो बोलता है, अगर तुम हमें बॉक्स लाकर दोगे, उसके बदले तुम्हें $1,75,000 मिलेंगे, और जो तुमने 20 साल पहले किया था उसका रिकॉर्ड भी हट जाएगा। और अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो उसे भी उसके दोस्त कॉस्मो की तरह जेल में सजा काटनी होगी। फिर मार्टिन ये सब अपने दोस्तों को बताता है। पहले तो वो इस काम के लिए राजी नहीं होते, पर मार्टिन बोलता है उनके पास मेरे खिलाफ सबूत है, जिससे उसे जेल हो सकती है, और इस काम के लिए उन्हें $1,75,000 मिलेंगे, इसलिए वो लोग मान जाते हैं। फिर मार्टिन लिस के पास जाता है। वो पहले मार्टिन के साथ थी, पर बहुत पहले वो मार्टिन से अलग हो गई थी उसके काम के कारण। मार्टिन बोलता है, गवर्नमेंट ने मुझे ढूंढ लिया है और वो लोग चाहते हैं मैं उनके लिए काम करूं, नहीं तो वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए लिज मार्टिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मार्टिन और लिज डॉक्टर गंटर के सेमिनार जाते हैं। वहां मार्टिन को उसका पुराना दोस्त ग्रेग मिलता है, जो रशियन काउंसलर है। वो भी सेमिनार देखने आया था और वो मार्टिन को बाद में मिलने के लिए कहता है। फिर गंटर अपने ऑफिस जाता है और दूर से मार्टिन और उसके साथी उस पर नजर रखे हुए हैं। उसी बिल्डिंग की खिड़की के बाहर डैरन माइक लगाकर खड़ा है, ताकि अंदर की आवाजों को सुना जा सके। गंटर अपने कंप्यूटर पर लॉगिन लेता है और वो लोग वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त डॉक्टर राइजोव आती है। फिर मार्टिन और उसके साथी अपने ऑफिस जाते हैं और राइजोव के बारे में पता करते हैं।
हैं और पासवर्ड पता करने की कोशिश करते हैं जिसे गंटर ने टाइप किया था। तभी विसलर बोलता है ब्लैक बॉक्स वही टेबल पर है। डैरन बोलता है वो बॉक्स वहाँ नहीं है। विसलर बोलता है वीडियो टेप को फिर से चलाओ। डैरन बोलता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा। विसलर बोलता है देखो मत, ध्यान से सुनो। तभी वहाँ एक आंसरिंग मशीन से आवाज आती है और वो उन्हें समझ में आ जाता है वो डिवाइस इसी में है। अब ब्लैक बॉक्स को चुराने के लिए मार्टिन गंटर के ऑफिस में किसी तरह से घुस जाता है। उसे वहाँ आंसरिंग मशीन के अंदर ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, पर उसी वक्त वहाँ राइजोव आ जाती है। राइजोव चिल्लाने वाली होती है, उससे पहले मार्टिन उसका मुंह बंद कर देता है। अब मार्टिन इस सिचुएशन से निकलने के लिए राइजोव को झूठी कहानी सुनाता है, जिस पर राइजोव को विश्वास हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब ब्लैक बॉक्स मिलने की खुशी में मार्टिन और उसके दोस्त पार्टी करते हैं। अब मार्टिन, लिज, डोनाल्ड और उसकी वाइफ वर्ल्ड पजल खेल रहे होते हैं और विसलर ब्लैक बॉक्स को छूकर पता लगाने की कोशिश करता है आखिर कोई इसके इतने सारे पैसे क्यों दे रहा है। जब वो बॉक्स को छूता है उस पर सेक्टेक लिखा होता है। मार्टिन डोनाल्ड से बोलता है सेक्टेक एस्ट्रोनॉमी का कोई मतलब नहीं है और वो वर्ल्ड पजल से उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। वही विसलर कार्ल से केबल मांगता है ब्लैक बॉक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए और इनपुट आउटपुट डिवाइस मांगता है जिससे ब्लैक बॉक्स के सर्किट को टच करके पता लगा पाए वो काम कैसे करता है। मार्टिन वर्ड पजल से सेक्टेक एस्ट्रोनॉमी से अलग अलग वर्ड बनाने की कोशिश करता है। फिर जब कार्ल सर्किट को इनपुट डिवाइस से टच करता है तो विसलर के ब्लाइंड टर्मिनल से उसे पता चलता है स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। दोस्तों, इन टर्मिनल को खास तौर पर अंधे लोगों के लिए बनाया जाता है ताकि वो स्क्रीन पर लिखे अक्षरों को टर्मिनल पे आ रहे उभारों से समझ सके। इस टर्मिनल पर अक्षर ब्लाइंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं जिससे उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। कार्ल एक एक करके सारे सर्किट को टच करता है। तभी विसलर एकदम से बहुत सारे कोड महसूस करता है और इस बीच मार्टिन भी पजल सॉल्व कर देता है और उसे पता चलता है सेक्टेक एस्ट्रोनॉमी का मतलब है टू मैनी सीक्रेट। फिर विसलर मार्टिन को अपने पास बुलाता है और कार्ल को अपनी बुक लाने को कहता है जिसमें उसके पास बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसी के आईपी एड्रेस हैं जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो सब इंक्रिप्टेड हैं। फिर कार्ल वो आईपी एड्रेसेस को सिस्टम में डालता है और उन्हें इंक्रिप्टेड पेज शो होते हैं। पर फिर जैसे ही डैरन उस सर्किट को टच करता है जिसे कार्ल ने लास्ट टाइम टच किया था वो पेज डिक्रिप्ट हो जाता है और इस तरह से वो फेडरल रिजर्व, पावर ग्रिड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सबको एक्सेस कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्टेड डेटा को बिना की के डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, पर गंटर ने ऐसी डिवाइस बनाई जिससे किसी भी इंक्रिप्टेड डेटा को बिना की के डिक्रिप्ट किया जा सकता है। फिर अगले दिन मार्टिन और डोनाल्ड ब्लैक बॉक्स डिक और बडी को देने जाते हैं। मार्टिन अंदर जाता है ब्लैक बॉक्स देने और डोनाल्ड मार्टिन का बाहर वेट करता है कार के पास। मार्टिन ब्लैक बॉक्स दे देता है और उनसे अपना चेक मांगता है। तभी डोनाल्ड की नजर कार में रखे न्यूज़पेपर पर जाती है, उस पर लिखा होता है गंटर को मार दिया गया। डोनाल्ड समझ जाता है और वो मार्टिन को वहाँ से निकालने के लिए बोलता है तुम्हारा जरूरी फोन है। मार्टिन कार के पास आता है और डोनाल्ड उसे धीमी आवाज में बोलता है कार में बैठने के लिए, पर मार्टिन को समझ में नहीं आता क्यों। मार्टिन को कार के अंदर जाते देख डिक और बडी उसके पास आने लगते हैं। तभी मार्टिन और डोनाल्ड तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। डोनाल्ड बताता है गंटर को मार दिया गया है। मार्टिन बोलता है क्या इन्होंने मारा है। डोनाल्ड बोलता है एनएसए कभी भी लोगों को नहीं मारता। वो मार्टिन से पूछता है कौन है ये लोग। मार्टिन बोलता है इसका पता करने का एक ही तरीका है। वो डोनाल्ड को उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो डिक और बडी से मिला था, पर जब वो वहाँ पहुँचता है वहाँ से वो बिल्डिंग हट चुकी थी। फिर उन्हें पता चलता है एनएसए का कोई भी ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में नहीं है और गंटर एनएसए से था। विसलर बोलता है शायद वो लोग पहले गवर्नमेंट में काम करते थे। इसलिए मार्टिन अपने रशियन दोस्त ग्रेग के पास जाता है। उसे लगता है इन सब के पीछे ग्रेग का हाथ है। वो ग्रेग से ब्लैक बॉक्स मांगता है और ग्रेग बोलता है उसके पास नहीं है और ब्लैक बॉक्स उसके किसी काम का भी नहीं क्योंकि वो कोड से अलग है। ब्लैक बॉक्स से रशियन कोड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। फिर ग्रेग मार्टिन को फाइल दिखाता है जिसमें पुराने सभी एजेंट की इन्फॉर्मेशन है। उसमें बड़ी की इन्फॉर्मेशन होती है, उसने 4 साल पहले एनएसए छोड़ दिया था। ग्रेग बोलता है जैसे तुम 20 साल पहले गायब हुए थे वैसे ही फिर से हो जाओ। तभी उनकी कार एफबीआई वाले रोक देते हैं और मार्टिन को बाहर आने के लिए कहते हैं। फिर मार्टिन की गन से ग्रेग और उसके ड्राइवर को मार देते हैं और बडी वहां आकर मार्टिन को बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद मार्टिन को कॉस्मो दिखता है। दोस्तों, कॉस्मो वही है जो मार्टिन का दोस्त था और जिसे पुलिस वालों ने 20 साल पहले पकड़ लिया था। मार्टिन पूछता है क्या चल रहा है और तुम जेल से कब बाहर आए। कॉस्मो बोलता है जेल में मैंने एक बूढ़े आदमी की मदद की फ्री कॉल करने में और इसके बदले में उसने मुझे जेल से निकालने में मदद की। फिर मैं उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। मैं उनके पैसों को मैनेज करता हूँ, उनके पैसे कहाँ हैं, कैसे ट्रांसफर करना है, सब कुछ। और इस पूरे नेटवर्क को सिक्योर करता है पावरफुल इंक्रिप्टेड सिस्टम ताकि गवर्नमेंट को पता ना चले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास ब्लैक बॉक्स आ जाता तो वो हमारा सारा डेटा आसानी से डिक्रिप्ट कर लेते। फिर कॉस्मो मार्टिन को एक साउंड प्रूफ रूम में ले जाकर बोलता है मैं ब्लैक बॉक्स के इस्तेमाल से फाइनेंशियल सिस्टम को बर्बाद करना चाहता हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट, बैंक, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, जिससे किसी के पास पैसा ना हो और सब समान होंगे, ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब। मार्टिन को कॉस्मो की बात पागलपन लगती है। कॉस्मो बाहर आकर बोलता है तुम्हारी गन से रशियन काउंसलर को मारा गया है और वो एफबीआई के क्रिमिनल रिकॉर्ड में जाकर मार्टिन का नाम डाल देता है। फिर कॉस्मो के लोग मार्टिन को बीच सड़क पे छोड़ देते हैं। फिर न्यूज में आता है जो फिंगरप्रिंट ग्रेग की कार से मिले थे वही फिंगरप्रिंट पुलिस को गंटर के ऑफिस से मिले हैं। अब इससे मार्टिन पर ग्रेग और गंटर दोनों के खून का इल्जाम आ गया है, इसलिए मार्टिन और उसके दोस्त अपना ऑफिस छोड़कर लिस के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मार्टिन कोशिश करता है किसी तरह से उसकी बात एनएसए के ऑपरेशन डायरेक्टर से हो जाए, इसलिए विस्लर कॉल बाउंस तैयार करता है जिससे
जिससे कॉल 9 देशों के अलग अलग नेटवर्क और सैटेलाइट से बाउंस हो। विसलर बोलता है ये अब तक का सबसे मुश्किल ट्रेस होगा एनएसए के लिए, और ड्रेन फोन को पॉलीग्राफ मशीन के साथ जोड़ देता है जिससे उन्हें पता चले मार्टिन जिससे भी बात कर रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं। फिर मार्टिन एनएसए कॉल लगाता है डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन से बात करने के लिए। ऑपरेटर बोलती है आपको जिससे बात करनी है उसका नाम या नंबर चाहिए। मार्टिन बोलता है सेक्टेक एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों ये नाम वो था जो ब्लैक बॉक्स पर लिखा था क्योंकि ग्रेग एनएसए में काम करता था और उसी ने ब्लैक बॉक्स बनाया था। फिर एक बंदा बोलता है मिस्टर एबॉट नाम से। मार्टिन बोलता है क्या तुम्हें सेक्टेक एस्ट्रोनॉमी में रुचि है। एबॉट बोलता है बिल्कुल, वो जो भी अब तक बोल रहा था वो सच था और एनएसए कॉल को बहुत तेजी से ट्रैक कर रहा था। अब मार्टिन के पास 20 सेकंड थे। मार्टिन बोलता है अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो क्या तुम मुझे सुरक्षा दोगे। एबॉट पूछता है क्या तुम्हारे पास ब्लैक बॉक्स है। मार्टिन बोलता है नहीं। मार्टिन फिर से वही सवाल पूछता है और एबॉट भी फिर से मार्टिन से वही सवाल पूछता है, और अब सिर्फ 5 सेकंड बचे ट्रेस होने में। और एबॉट बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी सुरक्षा का वादा करता हूं, पर पॉलीग्राफ इस बात को झूठ बताता है और मार्टिन फोन रख देता है। बिना ब्लैक बॉक्स के एबॉट मार्टिन की मदद नहीं करेगा, इसलिए उन्हें अब ब्लैक बॉक्स चाहिए। मार्टिन को नहीं पता बड़ी उसे कहां ले गया था, इसलिए विस्लर पूछता है जिस रास्ते से तुम्हें ले जाया जा रहा था वहां किस तरह की आवाजें आ रही थी। मार्टिन बोलता है हाईवे था शायद। विस्लर पूछता है क्या रास्ते में गति अवरोधक थे। मार्टिन बोलता है नहीं, पर उसे लगता है वैन ब्रिज से निकल रही थी, इसलिए विस्लर उसे अलग अलग ब्रिज के साउंड सुनाता है जिससे उन्हें पता चलता है मार्टिन कौन से ब्रिज से गुजरा था। फिर वो लोग उसी ब्रिज से गुजरते हैं। मार्टिन बोलता है इसके बाद एक खराब गति अवरोधक आया था। उन्हें पता चलता है पास में एक रेलवे क्रॉसिंग लाइन है। फिर मार्टिन बोलता है उसके बाद उसे पार्टी में जैसे गाने बजते हैं वैसी आवाज आई थी। वो लोग देखते हैं रेलवे लाइन के पास कहां पार्टी हो रही थी और उन्हें वो जगह मिल जाती है। कॉस्मो ने अपना असली काम छुपाने के लिए उस जगह का नाम प्लेट्रॉनिक्स रखा था, खिलौने बनाने वाली कंपनी। फिर दूर से लंबी दूरी वाले टारगेट माइक से विस्लर बिल्डिंग के अंदर की आवाज से पता लगाने की कोशिश करता है कॉस्मो का ऑफिस कहाँ है, और उसे पता चलता है अंदर जाने के लिए वॉइस कमांड की जरूरत होगी। फिर वो लोग इसके घर वापस आते हैं और कॉस्मो के ऑफिस में अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। उनके पास बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है पर कॉस्मो के ऑफिस में घुसने के लिए वॉइस कमांड नहीं है। फिर डैरन को एक बंदा दिखता है जिसका ऑफिस कॉस्मो के ठीक पास में है। वो हर रोज एक ही टाइम पर निकलता है अपनी कार से। डैरन उसकी कार नंबर से उसका पता लगाता है। उसका नाम है वार्नर। वार्नर बिल्कुल सीधा साधा इंसान है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है और उसके खिलाफ उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। फिर डैरन वार्नर के घर के बाहर का कचरा लेकर आता है ताकि कचरे से उसके बारे में कुछ पता चल सके, और उन्हें पता चलता है वो एक कंप्यूटर डेटर है, इसलिए वो लोग डेट पर लिज को भेजते हैं। लिज वार्नर से मिलती है और कोशिश करती है उससे वॉइस कमांड बुला पाए, इसलिए वो चालाकी से टुकड़ों टुकड़ों में आवाज रिकॉर्ड करती है। अब मार्टिन के पास उसकी आवाज होती है। फिर डैरन मार्टिन को सेंसर दिखाता है जो कॉस्मो के ऑफिस में है। वो दुनिया का सबसे एडवांस सेंसर है। वो शरीर की गर्मी और चलने की स्पीड को अच्छी तरह से पकड़ लेता है, इसी कारण वहां जाकर कॉस्मो के रूम के टेम्परेचर को बढ़ा देगा जिससे मार्टिन की बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट ना हो और उसे धीरे धीरे करके ऑफिस से ब्लैक बॉक्स लेना होगा। फिर लिज वार्नर के घर जाती है उसके आईडी कार्ड के लिए, और जैसे ही वार्नर का ध्यान उस पर से हटता है वो वार्नर का आईडी कार्ड डैरन को दे देती है। फिर मार्टिन कॉस्मो के ऑफिस जाता है और सबसे पहले वार्नर के कार से अंदर घुसता है। फिर वहां के कैमरे को वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट कर देता है जिससे मार्टिन के साथी जो बाहर वैन में है वो बिल्डिंग पर नजर रख सके। फिर मार्टिन वार्नर के ऑफिस में घुसने के लिए वार्नर की रिकॉर्ड आवाज को सुनाता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। अब मार्टिन वार्नर के ऑफिस के छत पे लगे वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ कॉस्मो के ऑफिस पहुंचता है। अब इस बीच में वार्नर को लिज का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसमें उसका असली नाम था। लिज ने उसे अपना गलत नाम डॉरिस बताया था। अब मार्टिन को ब्लैक बॉक्स मिल जाता है और वो कॉस्मो के ऑफिस से निकल जाता है। क्योंकि वार्नर को लिज पे शक होता है इसलिए वो अपने साथ उसे ऑफिस ले जाता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है ये लड़की मेरे ऑफिस से कुछ चुराना चाहती थी इसलिए इसने मेरे वॉइस कमांड को रिकॉर्ड किया। कॉस्मो को ये बात पता चलती और वो तेजी से वार्नर के ऑफिस जाता है, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता और सब कुछ अपने जगह पे था। कॉस्मो और उसके साथियों को लगता है शायद वार्नर से गलती हुई है, इसलिए वो अपने साथियों को बोलता है लिज को उसके घर छोड़ दें। पर लिज जाते जाते कॉस्मो को बोलती है ये मेरी आखिरी कंप्यूटर डेट थी। कॉस्मो बोलता है कंप्यूटर ने तुम दोनों को मैच किया है, ये हो ही नहीं सकता। और कॉस्मो को समझ में आ जाता है इन सब के पीछे मार्टिन है। वो तेजी से अपने ऑफिस जाता है पर उसे ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता। अब कॉस्मो मार्टिन को ब्लैकमेल करता है, अगर उसने ब्लैक बॉक्स नहीं दिया तो वो लिज को मार देगा, इसलिए मजबूरी में मार्टिन कॉस्मो के पास जाता है और कॉस्मो अपने साथियों को बोलता है इन्हें मार दो और ब्लैक बॉक्स लेकर आओ। जैसे बड़ी और डिक मार्टिन को मारने वाले होते हैं कार्ल आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो लोग बिल्डिंग की छत से भाग रहे होते हैं और आखिरी में जब मार्टिन नीचे जा रहा होता है वहां कॉस्मो आ जाता है और मार्टिन से ब्लैक बॉक्स मांगता है और मार्टिन उसे दे देता है। और जैसे ही कॉस्मो ब्लैक बॉक्स खोलता है उसमें कोड ब्रेकर नहीं होता, पर तब तक मार्टिन और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। फिर मार्टिन और उसके साथी ऑफिस पहुंचते हैं और वहां एबॉट अपने साथियों के साथ वेट कर रहा था। वो मार्टिन से ब्लैक बॉक्स मांगता है। मार्टिन बोलता है मैं बहुत समय से सोच रहा था जो ग्रेग ने मुझसे कहा था, हमारा कोड रशियन कोड से बिल्कुल अलग है। ब्लैक बॉक्स का कोड सिर्फ हमारे सिस्टम पर चलेगा, रशियन सिस्टम पर नहीं, तो ब्लैक बॉक्स रशियन के किसी काम का नहीं है। इससे हमारे देश के लोगों पर नजर रखी जा सकती है, इससे एनएसए किसी का भी मेल चेक कर सकता है और वो इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देगा। एबॉट मार्टिन को बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। मार्टिन बोलता है मेरे सारे रिकॉर्ड को मिटा दिया जाए, नहीं तो इसके बारे में वो मीडिया में सबको बता देगा। एबॉट मान जाता है। फिर डैरन बोलता है मुझे कैरावैन चाहिए जिसमें किचन, बेड, टीवी, बाथरूम सब होना चाहिए।
एबॉट उसकी भी बात मान लेता है। फिर डोनाल्ड बोलता है मैं कभी यूरोप नहीं गया इसलिए मुझे यूरोप की फर्स्ट क्लास ट्रिप चाहिए। एबॉट डोनाल्ड की भी बात मान लेता है। फिर कैरल एबॉट के ऑफिसर का फोन नंबर मांगता है जो वही होती है, पर एबॉट मना कर देता है। पर वो ऑफिसर कैरल को बोलती है तुम कुछ भी मांग सकते थे पर तुम्हें सिर्फ मेरा नंबर चाहिए। कैरल बोलता है हाँ। कैरल से इंप्रेस होकर वो ऑफिसर अपना नंबर कैरल को दे देती है। फिर विस्लर बोलता है मैं चाहता हूँ इस दुनिया में शांति बनी रहे और लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखें। एबॉट बोलता है हम लोग ये काम नहीं करते। मार्टिन बोलता है पर तुम कोशिश तो कर सकते हो। एबॉट बोलता है ठीक है देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और मार्टिन एबॉट को ब्लैक बॉक्स दे देता है। मार्टिन बोलता है ये काम नहीं करता। एबॉट बोलता है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मार्टिन बोलता है बिल्कुल। फिर लिज मार्टिन से पूछती है तुमने ये क्यों कहा ब्लैक बॉक्स काम नहीं करता, अगर उन्हें पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मार्टिन ब्लैक बॉक्स का मेन पार्ट दिखाकर बोलता है बिल्कुल नहीं, इस पार्ट के बिना ब्लैक बॉक्स कभी काम नहीं करेगा। फिर न्यूज में आता है रिपब्लिक नेशनल कमेटी बैंकक्रप्ट हो चुकी है क्योंकि उनके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो चुके हैं और उन्हें नहीं पता वो पैसे कहां गए। और थोड़े समय बाद बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से न्यूज आती है किसी ने उन्हें बहुत बड़ा डोनेशन दिया है और यहां हो जाता है मूवी का दी एंड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।